अस्सलामुअलैकुम मोहतरम खवातीन हज़रात, क्रिकेट 11 मसाला के साथ मैं हुज़मी और दादा आज यहाँ पर नहीं है। माया खान दादा तो कोई ना कोई वजह हो सकती है, और वो वजह यह है कि उनकी तबीयत थोड़ी, अल्लाह करे जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप ज्यादा दुआ कीजिएगा, आपकी दुआ जल्दी लगती है। अल्लाह इनको आपकी और मेरी और ख्वाजा सरा की। हाँ नहीं, अल्लाह को सेहत दे, जिंदगी दे, और कभी भी आ सकती है इंशाल्लाह, कभी भी आ सकती है। अच्छा आसिफ भाई, आपको वेलकम कहते हैं। अपना उमर खान साहब, आपको खुशामदीद कराची बॉयज के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा पहले कल के मैच की बात कर लें। जी 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 हैं आसिफ भाई, कल के मैचेस के बारे में बात, कल जो हुआ मैच, और उमर भाई। जी जी कल मैच बड़ा इंटरेस्टिंग यूं था कि कराची किंग्स के लिए जीतना लाजमी था टू स्टे इन द रेस, और 176 उन्होंने किए फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बाबर आजम वंस अगेन हाफ सेंचुरी, गप्टिल चिप्ड इन विद रन्स 43 किए, फिर इमाद वसीम लैंड में आके 19 गेंदों पे 30 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स बड़े अच्छे स्टार्ट के बाद वापस तीसरी दफ़ा लगातार उनकी बैटिंग फेल हुई है, और सारा क्रेडिट जाता है 16 साल के अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद को, जिन्होंने 19 रन दे के 2 आउट किए, और एंड में लाहौर कलंदर्स रिफेल 7 रन शॉर्ट, और 16 साल की उम्र में अपने PSL डेब्यू में मैन ऑफ द मैच। साल के हैं वो, मतलब ऑन पेपर तो हैं, अब वो रातें काट के हैं। शाहिद आफरीदी का भी अभी तक मसला चल रहा है कि वो 16 के थे नहीं, या 22 के थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखा कि 5 साल उनकी उम्र कम थी। अच्छा हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो है ना, वो क्या उनको जनरेटर की तरह है। अच्छा जनरेटर की तरह बेचने जाओ ठीक हो जाते हैं। जी आसिफ भाई, जैसे ही कुछ होता है अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। अच्छा आसिफ भाई जी, आप क्या कहेंगे कल के मैच? अच्छा आपका थोड़ा ऑडियो का मसला है। उमर भाई आप बताएं कल के मैच का, जो लाहौर का बता रहे थे अभी आप। जी बिल्कुल, मैं आसिफ भाई के साथ सेकंड करता हूं। जो फील्डिंग, बाबर आजम जैसे बैट्समैन को 3 मौके मिलना, आई बिलीव वो 30 से 40 रन का कराची में डिफरेंस था, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी एक अच्छे स्टार्ट के बाद हमने तीसरी दफा देखा है कि लाहौर कलंदर्स को लैप्स किया, और वहां भी मैच फिर बना लिया था फॉल्कनर ने और टिम डेविड ने, एंड में आके 34 रन किए। डेविड ने 14 गेंदों पे 3 छक्के 2 चौके लगाए, और फॉल्कनर ने 33 रन किए एंड में 18 गेंदों पे। सिचुएशन ये हो गई थी कि 27 रन रह गए थे और करीब 14 गेंदों का खेल बाकी था, वहां डेविड आउट हुए, मैच तब्दील हुआ, और आमिर डिसाइडिव उनका ओवर रहा, जहां उन्होंने 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, आखिरी ओवर में 20 रन बचे, और वहां कराची अभी जो मैच चल रहा है मुल्तान सुल्तान, और ये बहुत ही मजेदार मैच यूं रहा है कि आज जो जीतेगा वो स्वयं मकसूद ने बहुत अच्छी बैटिंग बिल्कुल की, जो मैच जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में आज ही के प्रोग्राम में आगे भी बताऊंगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट अच्छा लिया, पहली गेंद पे शान मसूद आउट हुए, लेकिन फिर शोएब मकसूद और रिजवान की शानदार पार्टनरशिप देखेगी। शोएब ने आज, लेकिन रिजवान आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आउट भी हो गए। देखिए विकेट ट्रिकी है, 60 रन किया शोएब मकसूद ने, और फिर उसके बाद वहां से कोलैप्स भी किया मुल्तान, जहां लग रहा था 180-190 रन करेंगे, वहां कोलैप्स हुआ, शोएब मकसूद आउट हुए, रूसो आउट हुए, लेकिन आखिरी ओवर में 24 रन स्कोर किया है मुल्तान सुल्तान ने, और सुहेल तनवीर ने एक एज दे दिया। अब 170 का टारगेट है, और ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। चलिए जी, तालियां होनी चाहिए मुल्तान सुल्तान के लिए। अच्छा आज भी कॉलर है हमारे पास। अरे माशाल्लाह, आप क्या समय हल्का ले रहे हो हमारे प्रोग्राम? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हेलो कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन, कहां से? मुबीन बात कर रहा हूं। मुबीन बात कर रहा हूं कराची से। अच्छा ओ कराची से मुबीन बात कर रहा हूं। जी मुबीन क्या कहेंगे? मुझे पेशावर को सपोर्ट करना है। तो करें, मैंने रोका क्या? करें क्या राशन? आप जितनी मर्जी चाहे करें भाई, पेशावर को करें, कोयटा को करें, लेकिन सबसे पहले अपने घर को सपोर्ट करें। घर को सपोर्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करना। क्या करते हैं मुबीन आप? मुबीन करते क्या आप? हेलो। हाँ हेलो, क्या करते हैं आप? आप मुझे मिला सकते हैं पेशावर की टीम से? लो हम खुद नहीं मिल पा रहे भाई। पेशावर की टीम, ये उमर खान बताएंगे भाई कि आप पेशावर की टीम से इनको मिलने का तरीका बताइए जरा। तरीकेकार ये है, अभी तो अबू धाबी में सारे। हाँ लेकिन ये वापस आएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में होती है, तो आप इजीली अपने जितने हमारे पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ग्राउंड में इजीली एक्सेस होता है, फ्री एंट्री होती है, जाएं आराम से मिलें वहां। वेरी गुड, चलें ठीक है भाई, आपकी हमारे प्रोग्राम के जरिए जो है आपकी ख्वाहिश पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, और अगर कोई उनके जो प्लेयर जब यहाँ पर आएंगे तो आप उनसे जरूर मिलेगा। अच्छा मैं अपनी टीमों को जरा तारुफ करा दूं, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जरा ए टीम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ए टीम में अब्दुल मन्नान और बिस्मा,
हैं, मैंने सही नाम लिया? जी जी बिल्कुल। और बी टीम में है नवीद एंड महक जी। ए टीम सर बताइए अपने बारे में, बताइए जरा। माय नेम इज अब्दुल मनान काकड़, आई एम अब्दुल मनान काकड़ डायरेक्टर गेम एंड डेवलपमेंट सीएसपी क्रिकेट एकेडमी क्लिफ्टन। अरे वाह वाह जी। बिस्मत सीएसपी क्रिकेट एकेडमी पाकिस्तान इमर्जिंग प्लेयर बिस्मत अमजद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद लासी लियारी से ताल्लुक है मेरा, और मैं जहीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी में पिछले 6 महीने से खेल रहा हूं। ओ लियारी के लिए तालियां। सारा टैलेंट हमारा लियारी में मौजूद है। लियारी तो फेवरेट है भाई, मुझे लग रहा है ये भाई फास्ट बॉलर है। ये महक, अच्छा महक आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक अमीन है, मैं जहीर अब्बास की तरफ से बॉलर और ऑलराउंडर खेलती हूं और रीजन और डोमेस्टिक की प्लेयर हूं। अच्छा जहीर अब्बास की तरफ से खेलती हैं। जहीर अब्बास अपने जो जहीर अब्बास जो क्रिकेटर माशाल्लाह लेजेंड है, अच्छा सुपरस्टार। चलें जी दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं, अपना राउंड शुरू करें क्या भाई अब्बास भाई, पहला राउंड शुरू किया जाए। और मुझे लग रहा है दोनों टीम जीतेगी, मुझे लग रहा है क्योंकि बड़ी कमाल टीम है। ऑलराउंडर टीम है यार मेरी तो, मतलब मैं चाहता, मैं अपने बचपन में इस तरह स्पोर्ट्स खेलना चाहता था मैं। अच्छा फिर, लेकिन अच्छा कल मैं 1 मिनट में 17 किलोमीटर भागा हूं। क्यों पता नहीं लोग अपना कुत्ता बांध कर क्यों नहीं रखते यार। हम तो इस तरह भागे थे वरना तो आप तो इस उम्र में अपने स्पोर्ट्स में, बच्चों को स्पोर्ट्स होना चाहिए यार। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पे लियारी को सलाम सर, इतना टैलेंट लियारी में। लियारी हमारे लियारी मकरानी भाई का टैलेंट ही अलग होता है, उनका तरीका ही अलग होता है। किसी का अब उनके गर्लफ्रेंड के वालिद का इंतकाल हो गया हमारे मकरानी भाई के, तो उनको गड़े सुना तुम लोग का बाप बाप मर गया, कह रहे हाँ गड़े फिक्र का बात नहीं, हम लोग का बाप जिंदा काम चल रहा हो। और सुनने में मजा आता है। हाँ, सुनने में बिहारी हो, हैदराबादी हो, मेमनी जबान हो सर, हमारे बिहारी हो, कितने वेरिएशन है सर। अच्छा उमर भाई थोड़ा सो जाओ, तकिया ला दूं आपको ना तकिया। मेरी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। आइडिया मशवरा अच्छा है। अच्छा, नहीं नहीं वो अपने जो है ना क्रिकेट के तजिया कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। वो कह रही थी कल कॉल क्यों काट दी आपने, तो जवाब दे रहे हैं। अच्छा यार ये उमर एक सवाल है, एक सवाल आया था, ये जितने भी क्रिकेटर्स के नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं, लिस्ट लिखी हुई आ रही होती है, तो वो जहाज बना हुआ है तो समझो वो बाहर के हैं। अब जो नाम हो क्या गया ना, तो ई जो लिखा होता है सी, तो इमर्जिंग प्लेयर्स, इमर्जिंग क्रिकेटर। एक हर टीम में वैसे कोरोना से पहले 4 आपको खिलाने होते थे इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक इमर्जिंग कैटेगरी का होता है जो 5 फर्स्ट क्लास से कम मैचेस खेला होता है। अच्छा अच्छा आसिफ भाई, ये शोएब मकसूद के बारे में क्या कहेंगे, आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है यार। शोएब मकसूद बहुत अच्छी फॉर्म में है, बड़े अरसे से आने का चांस है टीम में, आने का चांस इस वक्त नहीं है। सनमीर कह रही थी कि इस वक्त वो सिलेक्टर बता चुके हैं जिस पोजीशन में ये खेलता है। अच्छा, वो पोजीशन खाली नहीं है पाकिस्तान टीम में। डोमेस्टिक क्रिकेट जो इसने खेली है, मिडिल ऑर्डर खेलता है 7 पंजाब से, बहुत अच्छा खेले थे वनडे कप में, अभी भी अच्छा खेल रहे हैं, अभी इस वक्त पोजीशन नजर नहीं आ रही टीम में इनकी। लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है, आई बिलीव 5 नंबर 6 नंबर पे भी ही कैन मूव, क्योंकि वो जो एक हमें पंच चाहिए ना एंड में, खासतौर पर 50 ओवर की क्रिकेट में। हारिस सोहेल अच्छे थे लेकिन वो इंजरी के बाद बाकी हमारे प्लेयर्स क्लिक कर नहीं रहे, तो आई थिंक भले 4 नंबर नहीं लेकिन 5 या 6 पे टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा बरका साहब आप समझते हैं? मैं इस वक्त मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं ज़हन बंद हुआ हुआ है माशाल्लाह। मैं ये सोच रहा हूँ जल्दी ये टीम अपना राउंड शुरू करें। नहीं राउंड तो मेरी भी एक बड़ी ख्वाहिश है, हमारे शो खत्म होने से पहले मैं चाहूंगा एक दफा ना श्रीलंकन टीम की स्क्वाड बरकत भाई पढ़ के दिखाया मैं। ये ख्वाहिश है मेरी। मैं तुम एक काम करो ना, ब्रेक में नाम लिखो उनके और फिर ये पढ़ के बता। मैं पढ़ दूंगा, पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। ये पढ़ तो देगा लेकिन मैं हर वक्त मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो। अब बात ये समझ में आए ना आए लेकिन पढ़ देगा वो। चले जी अब अच्छा आज जो है ना देखें बहुत बोझ है मेरे ऊपर, पता बहुत बोझ है, आप तो है ही मेरे ऊपर बोझ, लेकिन आज जो का बोझ मेरे ऊपर है। अच्छा बरका साहब आप ब्रेक ले लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों मिल के लें, क्योंकि मैं ब्रेक लेना नहीं चाह रहा, मुझे बहुत काम करना है अभी। आप लोग ओके, सो फिलहाल चलेंगे ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो टीम्स हमारी तैयार हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला होगा आफ्टर द ब्रेक, सो वी विल बी राइट बैक। बिल्कुल वेलकम
वेलकम बैक एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं क्रिकेट 11 मसाला में, और आज हम बहुत मिस कर रहे हैं किसको, माया को, माया खान को, उनकी तबीयत अल्लाह करे खैर हो जाए और मजीद ताकि वो कल हमारे साथ दोबारा इस शो में शामिल हो। उनके साथ जो मजा आता है वो यार किसी के साथ, बरकत आपको तो पता है यार है, बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ बताएंगे कुछ, बिल्कुल वी लव यू माया, और बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं माया, प्लीज आ जाएं, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हां क्योंकि हम दोनों को मॉर्निंग शोज में इंट्रोड्यूस कराने वाली माया खान हैं, बिल्कुल ऐसे ही ना, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बोलेंगे आप, कुछ और कुछ कहना चाहते हैं, मैं बस अभी आप ज्यादा बोलेंगे मैं रो दूंगा मैं। चलो जी पहला राउंड शुरू करते हैं भाई, इजाजत है आसिफ भाई, उमर भाई इजाजत है, पहला राउंड शुरू करते हैं, हमारी दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, ए टीम है हमारी अब्दुल मन्नान और बिस्मा, और बी टीम है नवीद और महक, आप दोनों तैयार हैं, हैं तैयार, पहले ए टीम से सवाल कर लिए जाएं, इजाजत है तो मैं ए टीम से पहले सवाल कर लेता हूँ। अच्छा आप लोग आसिफ भाई उमर भाई आप भी देखते रहिएगा कि भाई ये सही जवाब दे रहे हैं या नहीं, मार्किंग कर रहे हैं या मैं गलत पढ़ूं, आसिफ भाई ठीक है आप भी रेडी हैं, बरकत भाई आप तो रेडी हैं, मैं तो रेडी हूं, हां ठीक है, तो पहला सवाल ए टीम से, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने पीएसएल की हिस्ट्री में चार डिफरेंट टीम के लिए खेला, शाहिद अफरीदी, यार मैं ऑप्शन दे रहा था, सही दिया उन्होंने जवाब, नहीं जवाब तो गलत है, जवाब गलत है, लेकिन तो मैं ऑप्शन दे दूं, दोबारा कर लूं सवाल, क्योंकि ऑप्शन है इसमें, ठीक है माफ कर दिया जाए, हां कर दिया जाए, कर दिया जाए, चलें ठीक है, सवाल आपको पता, दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करता हूं, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने पीएसएल की हिस्ट्री में चार डिफरेंट टीम के लिए खेला, कामरान अकमल या सुहेल तनवीर, सुहेल तनवीर, सुहेल तनवीर जवाब दुरुस्त है, ओ ए टीम का पहला सवाल सही हो गया, यानी कि जवाब सही हो गया, दूसरा सवाल आपके लिए है कि पाकिस्तान के पहले हिंदू विकेट कीपर कौन थे, पाकिस्तान के पहले हिंदू विकेट कीपर कौन थे, दानिश कनेरिया या अनिल दलपत या विजय दिनेना चौहान, अनिल दलपत, अनिल दलपत, विजय वेरी गुड वेरी गुड, वो कह रहे विजय दिनेना चौहान, चलें जी तीसरा सवाल है आपसे ए टीम से, अब्दुल मन्नान और बिस्मा से, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर कौन थे, ये बहुत आसान सवाल है, जलालुद्दीन, देखा उन्होंने बगैर ऑप्शन के बता दिया, जलालुद्दीन जवाब दुरुस्त है, ठीक है पीएस आपसे चौथा सवाल, चौथा और आखिरी, अभी तक आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, चौथा सवाल आपसे है कि पीएसएल सीजन 3 में कितने मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए, 4 या 2, पीएसएल सीजन 3 में, तुक्का लगाएं, तुक्का ही लगेगा मेरा ख्याल, साथ वाले को मुक्का लगाएं, कुछ करें, उमर तुम्हें पता है, उमर इसका जवाब पता है, देखिए सीजन 3 में रिज्यूम हुई थी क्रिकेट यहाँ पे, हाँ। और आखिरी के ही थे, अब मैं बता दूंगा तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन देने मुझे पता आपको पता होगा, दो मैचेस खेले गए, दो, उमर क्या कहते हैं आप ही बता दें, नहीं आप बताएं ना, मैं आपको भी चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे चेक करेंगे मतलब तो मसला हो जाएगा, मैं आगे चेक करूंगा, नहीं सिर्फ जवाब जवाब चेक करना चाह रहा हूँ, वैसे मेरा कोई, देखिए कराची के अंदर सीजन 4 से मैचेस आए थे, हाँ तो ये प्लेऑफ्स, इसका जवाब क्या, 4 या 2 खेले थे, मेरे हिसाब से 2 है शायद, 2 जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड, दो भाई, तो ए टीम ने पहले राउंड में चारों जवाब दुरुस्त देकर जो है वो हक्का बक्का कर दिया, बी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, जरा म्यूजिक बजाएं ए टीम के लिए, मजेदार, बहुत अच्छा बजाया भाई, अच्छा भाई बी टीम तैयार हैं आप लोग, क्यों सवाल के जवाब में, अच्छा ठीक है, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से 1000 रन्स बनाए, बाबर आजम या फखर जमान, बाबर आजम, बाबर आजम नहीं ये कौन सी हवा थी फेफड़ों से जो बाहर आई, जवाब गलत है, जवाब गलत है, ओए होए 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 होए, बाबर आजम नहीं, फखर जमान ने सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी 1000 रन बनाए, तेज हजार रन, ठीक है जी, दूसरा सवाल आपसे, किस खिलाड़ी ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, ये तो बहुत आसान है मेरा, लेकिन वनडे में टेस्ट में T20 में क्लियर करें या मोहल्ले में, ये वनडे में मेरा ख्याल है, किस खिलाड़ी ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, शाहिद आफरीदी या मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ,
पहला जवाब गलत हुआ है आपका लासी साहब जी। मोहम्मद यूसुफ जवाब दुरुस्त है, मोहम्मद यूसुफ। वेरी गुड। मजा, अच्छा मजेदार बात है, जवाब उनके पास लिखा है, देखते मेरी तरफ। जैसे नहीं, मुझे साइक्लोपीडिया कार्ड से ज्यादा आप पे भरोसा है। वाह वाह वाह। अच्छा, जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं वो सईद अनवर की हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था, तो इन दोनों में यूसुफ की सेकंड हाईएस्ट सेंचुरीज हैं, जिससे बाबर आजम बिल्कुल एक सेंचुरी पीछे। तो आने वाले सईद अनवर की 20 है, यूसुफ की 15 है, और बाबर आजम 13 पे आए बिलीव। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात हो रही है, सरजमीन पे नहीं, नहीं पाकिस्तान टीम की बात हो रही थी। वैसे सरजमीन पाकिस्तान में जिसने सेंचुरी बनाई वो तो यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ। चले ठीक है, लेकिन इनका जवाब तो दुरुस्त है ना। अच्छा, तीसरा सवाल, एक रोजा क्रिकेट में 100 विकेट्स यानी 100 विकेट्स हासिल करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर कौन थे, वकार यूनुस या सकलैन मुश्ताक? आसिफ भाई, आसिफ भाई को पता है। अच्छा, आसिफ भाई ने इशारा भी कर दिया, आपने देखा नहीं। सकलैन मुश्ताक। आसिफ भाई क्या कहते हैं, सही है जवाब, दुरुस्त है, सकलैन मुश्ताक। लेकिन आसिफ भाई, सकलैन मुश्ताक का कैरियर मेरा ख्याल इतना लंबा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हाँ, उसके घुटने में प्रॉब्लम थी दोनों। अच्छा, आपने चेक किए थे घुटने के अलावा उनकी टेक्नोलॉजी में दूसरा पकड़ी गई थी, तो वो उनका मेन वेपन था। तो तीसरा भी तो आ गया था, कभी नहीं पकड़ा। नहीं, पकड़ लिया। नहीं, कभी सकलैन मुश्ताक पे कभी नहीं हुआ है ना, क्योंकि उसने कभी फुल स्लीव्स के अलावा बॉलिंग नहीं की। लेकिन चेक हो गई थी ना। चले जी ठीक है, मैं बाद में चेक करता हूँ। अच्छा, चौथा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने 1992 यानी 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में, बहुत आसान है, कितना स्कोर बनाया था, 252 या 249, 252 या 249? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है, तालियां। तो पहले राउंड के इख्तिताम पे यार आसिफ भाई बड़ी अच्छी पोजीशन है, ए टीम ने चारों जवाब दुरुस्त दिए हैं जबकि बी टीम ने सिर्फ पहला जवाब गलत दिया था, लेकिन उनके 3 पॉइंट्स हैं, अभी ज्यादा मसला नहीं हुआ है, ज्यादा फासला नहीं है दोनों में, तो दोनों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। टैलेंटेड लड़के हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों से पूछो ना आपका टैलेंट क्या है, तो कहती है मैं गरम मसाला हाथ से उठाकर हंडिया में डाल देती हूँ और मेरा हाथ भी नहीं चलता। ये तो वाकई टैलेंटेड है यार, वाकई में टैलेंट है इनमें। अच्छा, आप बिस्मा, आप क्या करती हैं, बॉलिंग करती हैं, बैटिंग? ऑफ स्पिनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे माशाल्लाह। तो कितनी विकेट ली अभी तक आपने? मेरी बेस्ट 7 विकेट है। 7 विकेट है, मतलब उखाड़ के लेके नहीं घर क्या? जी नहीं, बॉयज के साथ खेला था तो। अच्छा, बॉयज के साथ जी। ये बड़ी वाह वाह, ये तो वाह वाह यार, वाह वाह वाह। हम फ्रेंडली मैच बॉयज के साथ ही खेलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हां तो और बॉयज भी खेलते हैं फ्रेंडली मैच? जब मैं भी अंडर 15 में था तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जो पहली सना मीरा है, हमारी पहली कैप्टन भी थी, पहली तो नहीं थी लेकिन अर्ली कैप्टन में से थी, उनके साथ हमने भी बड़ी क्रिकेट खेली है। अच्छा, तो उन्हें अच्छा लगता था या नहीं? देखिए, हमारी टीम में कुछ लड़के होते थे, वो डिसाइड किया होता था जी इनको आउट नहीं करना है और इनको बाउंसर नहीं मारनी और इनका कैच नहीं पकड़ना। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, हो रहा होता था, ऐसे ही होता। अच्छा, ऐसा होता है कभी बॉलिंग करते करते कभी नेल कटर निकाला नाखून? ज्यादातर लेग अंपायर हम खुद ही बैठ जाते हैं ताकि अपनी टीम की लड़कियों को आउट ना दे। अच्छा अच्छा, आप बेटा, आप क्या करती है? आप लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा, उसमें क्या होता है वो चाइना मैन कौन सा होता है आसिफ? चाइना मैन ये होता है, ऑर्थोडॉक्स ये होता है। आसिफ पे क्या करता है वो चाइना मैन, मतलब बॉल? चाइना मैन लेग स्टाम लेग स्पिनर होता है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। वैसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ही कहते हैं जो ऑफ स्पिनर होता है उसको भी यही कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। हां, लेकिन वो जो लेग स्पिनर के एक्शन से लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करता है वो चाइना मैन होता है। और जो ये कल के मैचेस पे बात कर लें, जो कल के मैचेस होने वाले हैं और अभी की पोजीशन जरा बताइए। अभी की पोजीशन ये है कि लाहौर के लिए आगे क्वालिफाई करने के लिए आज जीतना लाजमी है। अच्छा, और लाहौर इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उनके 12 पे एक आउट हो गया है। बेन डंक आज ओपन करने आए, यूजुअल उनके सोहेल अख्तर ओपनर नहीं आए और शुरू में ही बेन डंक आउट हो गए। हफीज इस वक्त आए 3 नंबर पे और 170 चेस करते हुए इस वक्त 13 for 1 लाहौर आफ्टर 3 ओवर्स। अच्छा आसिफ भाई,
ये बताइए जो सुहेल अख्तर के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, ये क्या है? मेरे बच्चे बोलते हैं कहते कौन है पापा, हमने तो कभी गली में भी खेलते हुए नहीं देखा है ना। देखे ये लाहौर कलंदर्स का ये स्टाइल है शुरू से। ये कौन सा स्टाइल है? ये स्टाइल है कि तो अपना का स्टाइल था अपना डेवलप अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनका जो कि सबसे अच्छा है सारी फ्रेंचाइज उसमें। देखिए सुहेल अख्तर की कोई परफॉर्मेंस भी अभी तक देखने नहीं है। सुहेल अख्तर की नहीं है लेकिन हारिस रऊफ भी इनके पास है, वो भी इनका अपना है। फिर उसके अलावा दानियाल है, उसके अलावा एक लड़का कश्मीर से लाए थे तो पूरे पाकिस्तान में सलमान इरशाद वो लाते हैं। तो ये अपना इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है कि अपना लड़का प्रोड्यूस करना है उसको आगे लेके जाए। इसमें मैं ऐड करूं जो लाहौर कलंदर्स पहले चारों सीजन बहुत बुरी तरह से हारे और बॉटम ऑफ द टेबल आए, सुहेल अख्तर पांचवें सीजन से कप्तान बना, पहले सीजन में फाइनल में आए और इस सीजन में भी टॉप ऑफ द टेबल थे। तो एज अ कैप्टन उसकी लकी रहा है या क्या रहा है, क्योंकि पीएसएल की हिस्ट्री के जो सबसे सक्सेसफुल परसेंटेज देखें तो सुहेल अख्तर उनमें टॉप में। अच्छा यस, चलें जी अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह उनके साथ बेहतर करे और पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर करे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम में इंशाल्लाह खेलेंगे। कल के आसिफ भाई दो अहम मैचेस हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर कराची किंग्स के खेलेगा और मुल्तान सुल्तान है और वो इस्लामाबाद से खेलेगा। जी देखें कराची किंग्स कल की पोजीशन भी बताएगा क्या है, किसको जीतना लाजमी है। कराची के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये मैच। और क्वेटा की जो पोजीशन है उसमें कराची का मुझे लग रहा है कि अपर हैंड है, क्योंकि एक मैच जीता है अभी, बड़ा अच्छा जीता लाहौर से। बाकी दूसरा मुकाबला होगा बहुत टफ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, वो मतलब उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो 50-50 होगा। तो अब देखें क्या होता है। अच्छा बरकत भाई आप क्या चाहते हैं, कौन जीते कल? मैं चाहता हूँ जो भी जीते पाकिस्तान जीते। क्या गहरी बात की है आपने, मुझे बेहोश कर दें। नहीं इसके बाद ना, इस बात के बाद ना ब्रेक बनती है। बिल्कुल ब्रेक बनती है तो आप फिर ब्रेक लें। अब आप लेंगे? अब मैं चाह रहा हूँ सर आप लें, क्योंकि पानी पी लूं। वो ब्रेक ही लेना चाह रहे थे आपने रोक दिया उनको। आप देखें मैं इधर हूँ ना, आपको मेरे साथ होना चाहिए था। नहीं मैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ। नहीं वो तो नहीं, मैं एक जाते जाते ब्रेक में मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप लोग आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपसे हमेशा खुश रहें तो आप हमेशा परेशान रहा करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा प्लीज। वेलकम बैक विद फैमिली पैक। बात यह है कि जिम्मेदारियां आ गई बहुत सारी। माया खान अगर आप सुन रही हैं हमें तो प्लीज आ जाएं, प्लीज कल जरूर आइएगा और छोटे भाई की फरमाइश पे आ जाएं, क्योंकि आपने मुझे बरकत को एक किया था, आपकी वजह से वो वहां बैठा है, मैं यहां खड़ा हूं। हां और ये बहुत मसला हो जाएगा और आपकी वजह से हम अलग ना हो जाएं कहीं। नहीं नहीं अल्लाह ना करे, आएंगे इंशाल्लाह, कल तबीयत ठीक हो जाएगी, कल अल्लाह बेहतर करेगा। तो भाई दूसरा राउंड खेला जाए मेरा ख्याल है, ए टीम और बी टीम से कल खेल लें, इनको कल बुला लें, कल बुला लें। आपको पता है दूसरा राउंड क्या होता है हमारा? क्या होता है? वेरी गुड। तो बजर चेक करें जरा, बज रहे हैं नहीं बज रहे? आप भी आपका तो काफी देर तक बज रहा है भाई। ये अपने से लेकर आए थे ये। अच्छा चराग रगड़ो, जिन निकलते कप रगड़ो, तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात, दूसरा राउंड शुरू करें। जी बिल्कुल, दूसरा राउंड है हमारा, विजुअल आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है? कोई भी वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, उसमें मैं सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने के बाद आपने बजल दबाना है या हाथ खड़ा कर लेना है, अगर बजल ना बजे तो, ठीक है? उसमें आपने बताना है जो भी मैं पूछूंगा कि ये क्या है, कैच आउट है, एलबीडब्ल्यू है, जो भी है, ठीक है जी भाई? पहला विजुअल दिखाया जाए भाई। जाइम्स, हियर वी गाइस। ओ टीम, वही हुआ जो रोज होता है। आसिफ भाई कौन बी? सवाल तो कर लें पहले, वही तो कह रहे हैं, सवाल से पहले, सवाल सुनने के बाद बेटा, सवाल सुनने के बाद सवाल नहीं, चलो ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल ठीक है, नहीं हमने बोला तो इसीलिए तो वेट कर रहे थे, वेट कर रही थी ना। क्या करें भाई, सवाल ए टीम ए, टीम ए, टीम ए, सवाल सुनना सुनने से पहले बजाते हैं तो टीम ए का। अच्छा आपको सवाल पता है क्या है ये? चलें अगर इन्होंने सही जवाब, अरे एक मिनट सवाल क्या है? कैच आउट या सवाल तो यही है, ठीक है। अरे ये देखो ना यार, ये पठान का दिल देखो कितना बड़ा होता है मेरा भाई, ये पठान का दिल होता है ये। वेरी गुड वेरी गुड जी। ये कैच आउट है या नहीं है ये बताइए, ये कैच होगा या नहीं होगा? ये कोई बॉल लेके भाग जाएगा तमाशे में से है यार, नॉट आउट है, नॉट आउट, नॉट आउट आपने कहा, नॉट आउट लेग बिफोर थोड़ी जॉब
नहीं नहीं वो कैच कैच हाँ कैच नहीं होगा मतलब ये नॉट आउट कैच नहीं होगा आपने ये बोला ठीक है भाई दिखाएं भाई क्या हुआ है कैच हो गया बेटा कैच हो गया क्या कैच लिया है यार वेरी गुड यार कौन था आसिफ भाई ये बाउंड्री पे रस्सी के पास कौन था नहीं मैंने देखा नहीं अरे आपने तो मैंने देखा नहीं यार वेस्टइंडीज का कोई प्लेयर होगा लेकिन क्या कैच लिया है हमारे हमारे पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स कब लेंगे ऐसे कैचेस जब थोड़े से आसान आएंगे मतलब पहले बेंच पे बैठे जी दूसरा विजुअल दिखाया भाई अच्छा सुनने के बाद बेटा हाँ, सुनने के बाद मैं सवाल करूंगा उसके बाद ये रन आउट है या नहीं है ए ए टीम वेरी गुड बताओ कौन सा भूल गए सवाल भूल गए सवाल भूल गए यस रन आउट होगा रन आउट होगा हैं अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ये रन आउट होगा आइए देखते हैं कि रन आउट होगा कि नहीं होगा होगा अभी तो क्रिकेट खेलते हैं कभी हुआ है ऐसा हुआ जो यही लगी थी आपके भी तकरीबन एक इंच ऊपर लगी थी एक इंच ऊपर चलो ठीक है इंचेस कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं तीसरा फर्क है तीसरा वीडियो क्लिप ये LBW है या नहीं है जाओ बजर बजाएं ये LBW बी बी मतलब बड़ा कर रहे हैं आप बजाएं उन्होंने भाई ने मौका दिया यूं करके तुम बजाओ मौका लेडीज फर्स्ट तो आपके साथ आपके पास लेडीज नहीं है आपके साथ भी तो लेडीज है कहां था भूल गया मेरे साथ भी लेडीज है कह रहे लेडीज फर्स्ट अच्छा जी जल्दी जल्दी कोई बात नहीं जल्दी जल्दी बेटा टाइम नहीं है नॉट आउट है नॉट आउट ओके बेटा देखते हैं भाई नॉट आउट है या आउट है दिखाइए दूसरा राउंड तो बड़ा है अभी तक किसी ने भी कोई सही जवाब नहीं दिया है चलें जी तीसरा एक आखिरी वीडियो क्लिप रह गया वो भी देखते हैं दिखाइए भाई Afridi hits one in the air. This should be taken. Kumar Sangakkara calls it's mine. Out. Uish, ye catch hoga ya nahi hoga? B B B. Asif bhai kisne bataya? Pehle main. Ek minute, 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 minute. Asif bhai batayenge. Asif bhai pehle. Umar aur Asif bhai dekh rahe hain. Isne. Ye nahi dab raha tha. Nahi dab nahi raha tha. Inhone to haath utha liya tha pehle. Haan. A. A. हाथ उठा लिया था इन्होंने बजाय बी ने हाथ पहले नहीं उठाना चाहिए यार अच्छा दब नहीं रहा अच्छा दब नहीं रहा हाथ उठा लिया उमर आपने देखा चलें ए टीम ये कैच है डेफिनेटली सर ये आउट है ये आउट है ये आउट है ये कैच है वेरी गुड अरे बाबा दिखाओ इसमें सिंधी ये आप क्या खैरपुर भी रहे हैं क्या आप खैरपुर का होता है ना खैरपुर में पठान होते हैं हमारे भाई काम कर रहे होते हैं वहां मेहनत कर रहे हैं जी दिखाइएगा भाई कैच हुआ या नहीं हुआ क्या हुआ Afridi hits one in the air. This should be taken. Kumar Sangakkara calls it's mine. He's making it tough. Wow, wow. Sangakkara. Lo, bhai, faisla to ho gaya. Barka sahab, aapne aaj scoring ki, main karta hu. Nahin, nahin, unhone kiya, sir ne kiya. Haan ji, Asif bhai, bataiye. Asif bhai, bataiye. Pehle round mein 4 points A team ke, 3 points B team ke. Dusre round mein koi point hasil nahi kiya B team ne. Aur A team ne 1 point liya, to 5-3 se jeeta hai A ne. अब्दुल मन्नान और बिस्मा ने आज का ये प्रोग्राम जो है हमारा ये शो का जो गेम शो था जो भी था वो जीत लिया है उमर भाई क्या कहेंगे आप मुबारक हो है मुबारक हो बहुत नई बात की इन्होंने बहुत अच्छा आसिफ भाई कल के मैचेस के बारे में जरा जल्दी कल का मैच के बारे में बताया ना जी जी कल क्विकली बता दूं इस वक्त और अभी का भी बता दें 34 पे 3 आउट हो गए लाहौर के और अगर जो नजर आ रहा है कि लाहौर अगर आज हार जाता है तो उस सूरत में कराची को अगर हारना कल लाजमी हो जाएगा क्योंकि अगर आज लाहौर के हारने के बाद कराची कल जीत गया तो लाहौर आउट हो जाएगा कराची क्वालिफाई कर जाएगा अच्छा। और मुल्तान ऑटोमेटिकली आज क्वालिफाई कर जाएगा सो बेसिकली आज का रिजल्ट डिपेंड करता है
कि लाहौर कराची में से कौन आ गया, क्योंकि मुल्तान डेफिनेटली क्रॉस कर रहा है। जी आसिफ भाई बड़े अच्छे फेस में पहुंच गया, और अभी जो मैच चल रहा है उसका भी बताएगा। धानी ने धानी ने आते ही आउट किया है। इस वक्त तो 34 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं लाहौर के। हाँ। अभी हफीज अगर हैं, हफीज भी आउट हो गए, और आप वही कहेंगे कि अभी कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल हो गया है क्योंकि हफीज आउट हो गया। कल के मैच में हफीज ने जरा रन किए थे। अच्छा, लेकिन फल्कनर भी आता है नीचे और भी उनके प्लेयर्स हैं अभी। अच्छा, जब माया दादा यहाँ पर होती है आप कहते हैं अभी कुछ कह नहीं सकते यार, अभी मैं हूँ, आप कह रहे नहीं अभी। देखिए विकेट्स गिर गई ना, विकेट गिर गई है। चले जी, अब अच्छा मैं भाई जो जीतने वाली टीम है, और सर्टिफिकेट आप मैंने कर दिया, तुम कर दिया, आ जाए दोनों, आ जाए दोनों, आ जाए। पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, और जी टीम ने बहुत अच्छा खेला, दोनों टीमों को सर्टिफिकेट देंगे उमर और आसिफ भाई। मिला ले सर, कोई मसला नहीं। जी अच्छा, जाने से पहले जो है वो हमारे लासी भाई, अगर इजाजत टाइम है, थोड़ा टाइम है क्लोजिंग करनी है, बस ये गाना गाएंगे, इनके गाने पे क्लोजिंग करेंगे। इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी क्रिकेट 11 मसाला में माया खान, बरकत उज़्ज़मी, आसिफ और उमर खान के साथ, और कराची बॉयज के साथ। जी गाना रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, हे तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत।